चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 11 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 12वां चैप्टर है, ध्वनि यानी कि साउंड के बारे में बात करेंगे। याद रखिए, कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बस यही आपकी आखिरी बुक्स रह गई है। उसके बाद हम लोग कक्षा 10वीं से कक्षा 12वीं तक की भी बुक्स देखेंगे। अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो समय रहते आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लें, क्योंकि इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप सोचें कि इन्हें पढ़े बिना कुछ उखाड़ लेंगे तो कुछ नहीं उखड़ने वाला है। तो समय रहते हुए ये सब देख लें। ध्वनि, हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानवों, पक्षियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविजन, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अन्य रूप भी हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। पिछले अध्याय में आप यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन कर चुके हैं। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है। इसके अनुसार आप ऊर्जा का को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आप इसे केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपको ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया जाता है, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, किसी माध्यम में या किस प्रकार संचरित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जाती है। ध्वनि का उत्पादन, क्रियाकलाप 12.1। याद रखिए, इसे बार बार बोल रहा हूं कि क्रियाकलाप जो भी दिए गए हैं उन्हें अच्छे से पढ़िए और निकल जाइए। इन्हें करते नहीं बैठना है, फिर आप मालूम चला कि आप जो बता रहा है सामान वो इकट्ठा करने लगे हो, आप एक प्रयोगशाला बना के रख लिया आपने, तो इसमें नहीं बीतना है आपको। एक सौ सौरित द्विभुज लीजिए और इसकी किसी भुजा को एक रबड़ के पैड पर मारकर इसे कंपित कराइए। इसे अपने कान के समीप लाइए। क्या आप कोई ध्वनि सुन पाते हैं? कंपमान सॉरी ध्वनि की एक भुजा को अपनी उंगली से स्पर्श कीजिए और अपने अनुभव को अपने मित्रों के साथ बांट सकते हैं। अब एक टेबल टेनिस या फिर एक छोटी प्लास्टिक की गेंद को एक धागे की सहायता से किसी आधार से लटकाइए। एक लंबी सुई और धागा लीजिए। धागे के एक सिरे पर एक गांठ लगाइए। सुई की सहायता से धागे को गेंद में पिरोइए। पहले कंपन ना करते हुए सॉरी ध्वनि की द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए, फिर आप कंपन करते हुए सौरित ध्वनि की एक भुजा दुई भुज की एक भुजा को से गेंद को स्पर्श कीजिए। देखिए क्या होता है। अपने मित्रों के साथ इसे भी विचार विमर्श कर सकते हैं और व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से बात की जा रही है। टेबल टेनिस की गेंद, टेबल टेनिस कंपमान सौरित दुई भुज। क्रियाकलाप 12.2। एक बीकर या गिलास को ऊपर तक पानी से भरिए। कंपमान सॉरी द्विभुज की एक भुजा को चित्र 12.2 में दर्शाए अनुसार पानी की सतह से स्पर्श कराइए। इस तरह से। अब चित्र 12.3 में दर्शाए अनुसार कंपमान सॉरी द्विभुज की दोनों भुजाओं को पानी में डुबोइए। ठीक है, देखिए कि दोनों अवस्थाओं में क्या होता है। अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कीजिए। इन दोनों को आपने पढ़ लिया है, पर ध्यान देने योग्य बातें यहाँ होती हैं इस पॉइंट में। तो ऊपर के जो भी आप लोग क्रियाकलाप पढ़ते हैं उसके बाद जो नीचे दिया रहता है उसी को पढ़ना है। अगर नहीं दिया है तो आप निकल जाइए, आप बैठे मत रहिए कि आप फिर ढूंढ रहे हैं कि पानी ले आ रहे हैं, गिलास ले रहे हैं, इस तरह के प्रैक्टिकल करते बैठे गए। इसमें नहीं बीतना है आपको, ठीक है। उपरोक्त क्रियाकलापों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या आप किसी कंपमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? अब तक वर्णित क्रियाकलापों में हमने सॉरी द्विभुज से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की है। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरच कर या फिर रगड़ कर या वायु फूंक कर या फिर उसको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं? हम वस्तु को कंपमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु को तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। मनुष्य में वाक ध्वनि उसके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है।
जब कोई पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाता है तो क्या आप कोई ध्वनि सुनते हैं? क्या आप जानते हैं कि मक्खी भिनभिनानी को ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? एक खींचे हुए रबड़ के छल्ले को बीच में से खींच कर छोड़ने पर यह कंपन करता है, ध्वनि उत्पन्न करती है। यदि आपके आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो इसे कीजिए और तनी हुई रबड़ को छल्ले के कंपन को दिखाइए। अब क्रियाकलाप आप 12.3 को भी पढ़ लीजिए। विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए और अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। इन वाद्य यंत्रों का उपयोग, सितार हो गया इसमें आपका वादक, समझ रहे हैं? नहीं की बात कर रहा हूँ, बांसुरी। अब बात करते हैं ध्वनि का संचरण। हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव या फिर पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। एकड़ कंपमान वस्तुओं से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचते हैं। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था में से विस्थापित होते हैं और यह अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करके ने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया अब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती है। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, यानी कि माध्यम के कण नहीं, माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। तरंग का एक विक्षोभ जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों की गति में गति उत्पन्न कर देते हैं। एकड़ इसी प्रकार की अन्य गति अन्य कणों से में भी उत्पन्न होती है। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जाता है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलेखित लक्षित की जाती हैं और यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस क्षेत्र को हम लोग संपीड़न कहते हैं। संपीड़न को सी से व्यक्त करते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विरलन आर कहते हैं। जब वस्तु कंपन करती है अर्थात आगे की ओर और पीछे तेजी से गति करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यह संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। संपीड़न आपका उच्च दाब का क्षेत्र है और जो विरलन है ये निम्न दाब का क्षेत्र है। दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। किसी माध्यम में कणों का अत्यधिक घनत्व अधिक दाब की ओर दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में होता है, देखा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये क्या है आपका? कंपायमान वस्तु किसी माध्यम में संपीड़न सी और विलयन आर की श्रेणी उत्पन्न करती है। सी आर क्या ध्वनि एक प्रकार प्रकाश डब्बे को नित करा सकती है? एक टिन का डिब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरों को काट कर एक खोखला बेलन बना लीजिए। या गुब्बारा लीजिए, एक गुब्बारा लीजिए, उसको इस प्रकार काटें कि उसकी एक झिल्ली बन जाए। इस झिल्ली को खींचकर डिब्बे के एक खोल खुले सिरे के ऊपर तान दीजिए। गुब्बारे के चारों ओर एक रबड़ का छल्ला लपेट दीजिए। समतल दर्पण के एक छोटा टुकड़ा लीजिए और दर्पण के इस टुकड़े को गोंद की सहायता से गुब्बारे के से इस प्रकार चिपकाइए कि उसमें उसकी चमकदार सतह ऊपर की ओर एक छर्री यानी कि स्लेट से आने वाले प्रकाश को दर्पण पर पड़ने दीजिए। परावर्तन के पश्चात प्रकाश का डब्बा दीवार पर पहुंचता है, जैसा कि चित्र 12.4 में दर्शाया गया। डिब्बे के खुले भाग में सीधे ही की बात कीजिए और चिल्लाइए या फिर और दीवार पर प्रकाश के डब्बे को नाचते हुए देखिए।
अपने मित्रों से प्रकाश के धब्बे के नाचने के कारण के बारे में पता कर सकते हैं। ये समतल दर्पण, तनित गुब्बारा, टिन का डिब्बा, दीवार, ये विकास का स्रोत, झिल्ली। विकास स्रोत से आने वाले एक विकास पुंज परावर्तक पर गिराया जाता है। परावर्तक विकास दीवार पर गिर रहा है इस तरह से लौट कर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के चलने के लिए ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, उसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती है। इसे निम्न प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रयोग: एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायुरोधी बेल जार लीजिए। विद्युत घंटी को बेलजार में लटकाइए। बेलजार को चित्ते 12.6 की भांति 12.6 की भांति इस तरह से। ये विद्युत घंटी बेलजार हो गया। कॉक, कॉर्क, स्विच, विद्युत धारा, निर्वात पंप। निर्वात पंप से जुड़ी घंटी के स्विच को दबाने पर आप उसकी ध्वनि को सुन सकते हैं। अब निर्वात पंप को चलाइए। जब बेलजार की वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है तो घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है, यद्यपि उसमें पहले जैसा ही विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। कुछ समय पश्चात जब बेलजार में बहुत कम वायु रह जाती है तब आपको बहुत धीमी ध्वनि सुनाई पड़ती है। यदि बेलजार की समस्त वायु बाहर निकल जाए तो क्या होगा? क्या तब भी आप घंटी की ध्वनि को सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। पर ध्वनि तरंग तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इसे भी देख लेते हैं क्रियाकलाप द्वारा। 12.4 एक सलंकी लीजिए। अब सलंकी को चित्त 12.7a के दर्शाए अनुसार खींचिए। अपने मित्र की ओर सलंकी को एक तीव्र झटका दीजिए। आप क्या देखते हैं? यदि आप अपने हाथ से सलंकी को लगातार आगे पीछे बारी बारी से धक्का देते हैं तो खींचते हैं तो क्या आप पाते हैं? इस तरह से सलंकी में अनुदैर्ध्य तरंगें देखने को मिलती हैं। यदि आप सलंकी पर एक चिन्ह लगा दें तो आप देखेंगे कि सलंकी पर चला लगा चिन्ह विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर आगे पीछे करता है। उन क्षेत्रों को जहां सलंकी की कुंडलियां आपस में आसपास आ जाती हैं संपीड़न सी, उन क्षेत्रों को जहां कुंडलियां दूर दूर हो जाती हैं विलन आर कहते हैं। आप जानते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों पिंडों और तथा विरलों के रूप में संचेत होते हैं। जब अब आप किसी सलंकी में विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम से विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। इन तरंगों के माध्यम से कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते लेकिन अपनी विरामावस्था से आगे पीछे दोलन करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे भी संचित होती हैं। अतएव ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। याद रखना है आपको। यदि आप सलंकी की को अपने हाथ में पकड़े सिर को आगे पीछे धक्का ना देकर दाएं बाएं हिलाए तब भी आपको सलंकी में तरंगे उत्पन्न होती दिखाई देगी। इस तरंग में कर तरंग संचित संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते हैं लेकिन तरंग की चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं जो ऊपर नीचे कंपन करती है। उसमें पीछे आगे पीछे चलती थी अनुदैर्ध्य तरंग में। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे का एक उदाहरण है। प्रकाश भी आपका अनुप्रस्थ तरंग है किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या फिर घनत्व के नहीं होते हैं। प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है। आप अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में अधिक जानकारी उच्च कक्षाओं में प्राप्त करेंगे। फिर आपका ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं कौन कौन से? आवृत्ति, आयाम और वेग। ध्वनि तरंग को ग्राफीय रूप से चित्र 12.8c में दिखाया गया है जो प्रदर्शित करता है कि जब ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में गति करती हैं तो घनत्व तथा दाब में कैसे परिवर्तन होता है। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व तथा दाब दोनों ही
उनके औसत मान से ऊपर और नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं। चित्र 12.8a और 12.8b प्रदर्शित करते हैं कि जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होते हैं तो घनत्व तथा दाब में क्या उतार चढ़ाव होते हैं। संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ कण पास पास आ जाते हैं, इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया गया है। चित्र 12.8c शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार संपीड़न का वह क्षेत्र जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। बेलन निम्न दाब के क्षेत्र जहाँ कण दूर दूर हो जाते हैं और उन्हें घाटी से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें वक्र के निम्न भाग में से दिखाया गया है। शिखर को तरंग का सुरंग तथा घंटी को गर्त कहा जाता है। क्या? शिखर को तरंग का सुरंग और घंटी को गर्त कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़नों में सी अथवा दो क्रमागत बेलनों में आर के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः आप लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। ग्रीक अक्षर है आपका लैम्ब्डा। इसे निरूपित किया जा सकता है। एसआई का मात्रक होता है मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। इसे एम से व्यक्त करते हैं। अब हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, इनका जन्म आपका 22 फरवरी 1857 को हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ था। उनकी शिक्षा वर्लिंग विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने जेसी मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की प्रयोगों द्वारा पुष्टि की। उन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा टेलीविजन के भी भविष्य में विकास की नींव रखी। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज की, जिसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने व्याख्या की। आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम उनके सम्मान में रखा गया था। किसके? हेनरिच रुडोल्फ साहब की। स्पीकर, ध्वनि का स्रोत, घनत्व भिन्नताएं, सी आर। स्पीकर ध्वनि का स्रोत, दाब भिन्नताएं, घनत्व या दाब, ये ऊपर उठी हुई सुरंग हो गई और नीचे हुई गर्त हो गई। ठीक है। आवृत्ति से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घटित होती है। मान लीजिए आप किसी ढोल को पीट पीट कर बजा रहे हैं। आप ढोल को एक सेकंड में जितनी बार पीटते हैं वह आपके द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति हो गई है। हम जानते हैं कि जब ध्वनि के किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम या फिर न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़नों तथा बेलनों की संख्या की गणना करें तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। इसे सामान्यता भी ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका भी आकार का होता है। इसे न्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू। इसका ऐसा ही मात्रक की बात करें तो हर्ट्ज है। इसे प्रतीक HZ में व्यक्त करते हैं। दो क्रमागत संपीड़नों या फिर दो क्रमागत बिरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? दो क्रमागत संपीड़नों या फिर दो क्रमागत बिरलनों कि किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे जो समय लगता है उसे ही हम लोग तरंग का समय कहते आवर्तकाल कहते हैं। आप कह सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी अक्षर से निरूपित करते हैं। एस का एसआई मात्रक सेकंड है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच के संबंध में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। वी बराबर 1/T। इस प्रकार एक उच्च तारत की ध्वनि से हमें ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न तथा विरलन की अधिक संख्या गुजरती है। किसी ऑर्केस्ट्रा यानी कि वाद्य वृंद में वायलिन और बांसुरी एक ही समय बजाई जा सकती है। दोनों ध्वनियां एक ही माध्यम वायु में चलती हैं और हमारे कानों तक एक ही समय पर पहुंचती हैं। दोनों ही स्रोतों की ध्वनियां एक ही चाल से चलती हैं, लेकिन जो ध्वनियां हम ग्रहण करते हैं वे भिन्न भिन्न होती हैं। यानी कि आपने देखा है ऑर्केस्ट्रा की अलग, ऑर्केस्ट्रा में जो वायलिन होगा इसकी अलग रहेगी और बांसुरी की अलग रहेगी। ऐसी ध्वनि से जुड़े विभिन्न अभिलक्षणों के कारण तारत इसमें एक अभिलक्षण होता है।
किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे हम लोग तारत कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति की आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, उसका तारत भी उतना ही अधिक होगा। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत कम होगा उसकी आवृत्ति भी कम होगी, यानी कि दोनों का संबंध एक तरह से कि अगर आपकी आवृत्ति कम है तो ध्वनि भी कम है, तारत भी कम होगा, तारत भी कम है तो ध्वनि भी, और ज्यादा होने पर दोनों ज्यादा होंगे। चित्त 12.9 में दर्शाए इस तरह से तरंग विक्षोभ समय निम्न तारत की ध्वनि, यहां हम देख रहे हैं उच्च तारत की ध्वनि का विभिन्न आकार तथा आकृति की भिन्न आकृति की विभिन्न वस्तुएं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती हैं और विभिन्न तारत्व की ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे साधारणतः अक्षर एक से निरूपित करते हैं, जैसा कि चित्र 12.8C में 12.8C में आपने ऊपर देखा, यहाँ 12.8 AC है, यहाँ ठीक है गर्ज सिंह 12.8C में दिखाए गए ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या फिर घनत्व का मात्रक होगा। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुलता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारें तो हम एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यदि हम मेज पर जोर से चोट मारें तो हम प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंगें फैल जाती हैं, स्रोत से दूर जाने पर इनका आयाम और प्रबलता दोनों ही कम होते जाते हैं। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चली सकती है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा से समृद्ध होती है। चित्र 12.10 में समान आवृत्ति की प्रबल एवं मृदु ध्वनि की तरंग आकृतियां प्रदर्शित की गई। मृदु ध्वनि या की प्रबल ध्वनि मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है तथा प्रबल ध्वनि की का आयाम अधिक होता है। ध्वनि की यह गुणता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं, और यह सुनने में सुखद होता है, शोर कर्णपीय नहीं होता है, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। तरंग की किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विलयन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। हम जानते हैं कि वेग को किस तरह से दूरी अपॉन समय से निकालते हैं, लैम्डा अपॉन टी। यहाँ लैम्डा आपका ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है, यहाँ तरंग द्वारा एक आवर्तकाल टी में चली गई दूरी है, अतः वी बराबर म्यू, इसे म्यू कहते हैं, बराबर लैम्डा वी। वेग तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति किसी माध्यम के लिए समान, सॉरी इसे वेग कहते हैं और आवृत्ति को, यानी कि इसे भी इसे आप लोग म्यू से व्यक्त कर रहे थे। भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लगभग स्थिर होता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया, इसे भी देख लीजिए। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 kHz है, इसकी तरंग दैर्ध्य 35 cm, यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी? तो दिया हुआ है, आवृत्ति दी हुई है 2 kHz, यानी कि 20,000 Hz। तरंग दैर्ध्य कितनी है? 35 cm, यानी कि 0.35 मीटर। हम जानते हैं तरंग वेग VU बराबर आपका तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति, दोनों का इंटू करेंगे इस तरह से निकाल लेंगे आप, ठीक है। किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली जो ध्वनि होती है उसकी ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, ध्वनि की ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। यद्यपि हम कभी कभी प्रबलता और तीव्रता शब्दों का पर्याय रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही नहीं है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, यद्यपि दो ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती हैं, फिर भी हम एक दूसरे को की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है। किसी पटाखे या तड़ित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ बाद
सुनाई देती है। इसके लिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल विकास की चाल से बहुत कम होती है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें से संचेत होती है। आप इस संबंध को अपनी उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। किसी माध्यम से ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती जाती है। क्या यानी कि कहने का मतलब है कि ठोस में सबसे ज्यादा होती है और उससे आप गैस की तरफ बढ़ेंगे ध्वनि की चाल कम होती जाएगी। किसी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर प्रति सेकंड होती है और 22 डिग्री सेल्सियस पर यह 344 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। सारणी 12.1 में विभिन्न माध्यम में एक विशेष तार पर ध्वनि की चाल को दर्शाया गया। ये अवस्था हो गई, ये पदार्थ हो गया और ये आपकी चाल हो गई मीटर प्रति सेकंड में। जैसे एल्यूमिनियम या 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल है संकर। निकेल में आपकी 4000 एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा 6420 मीटर प्रति सेकंड। निकेल में आपकी 6040 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद लोहा है 5950 मीटर प्रति सेकंड। द्रव में आप देख सकते हैं जल में कम है 1531 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आप चलिए हाइड्रोजन में 1284 मीटर प्रति सेकंड। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड में सबसे कम 1313 मीटर प्रति सेकंड। एक शब्द है यहाँ ध्वनि बूम। ध्वनि बूम क्या है? जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तब उसे पराध्वनिक चाल से चलना हुआ कहा जाता है। जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तब उसे पराध्वनिक चाल से चलता हुआ कहा जाता है। गोलियां, जेट वायुयान आदि पराध्वनिक चाल से चलते हैं। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो ये वायु में प्रगाती तरंगें उत्पन्न करते हैं। इन प्रगाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रगाती तरंगों से समृद्ध वायुदाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। पराध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि बूम में इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि यह खिड़कियों के शीशों को भी तोड़ सकती है, यहाँ तक कि भवनों को भी क्षति पहुंचा सकती है आपकी। अब बात करते हैं ध्वनि का परावर्तन। किसी ठोस या फिर द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कि कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। विकास की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित हो जाती है तथा परावर्तन की उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका अध्ययन आप अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं और ये तीनों दिशाओं तक ही तल में होते हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है जो चाहे फालिश किए हुए हों या फिर खुरदुरे हों। क्रियाकलाप 12.5 को देखिए। चित्र 12.11 की भांति दो एक जैसे पाइप लीजिए। आप चार्ट पर पेपर की सहायता से ऐसी पाइप बना सकते हैं। पाइप की लंबाई प्राप्त होना चाहिए। एक घड़ी हो गई, एक कान हो गया, ए पाइप, दो पाइप हो गए, ठीक है। ये आपकी मेज हो गई, दीवार हो गई, ठीक है। इन्हें दीवार के समीप किसी मेज पर व्यवस्थित कीजिए। एक पाइप के खुले खुले छिद्र के पास एक घड़ी रखिए और दूसरे पाइप की ओर से घड़ी की ध्वनि सुनने की कोशिश कीजिए। दोनों पाइपों की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए जिससे कि आपकी घड़ी की ध्वनि अच्छी प्रकार स्पष्ट रूप से सुनाई दे। इन पाइपों तथा अभिलंब के बीच के कोणों को मापिए और इनके बीच के संबंध को देखिए। दाईं ओर के पाइप को ऊर्ध्वाधर दिशा में थोड़ी सी ऊंचाई तक उठाइए और देखिए क्या होता है। इस क्रियाकलाप में घड़ी के स्थान पर किसी कंपन मोड पर रखे मोबाइल फोन का भी उपयोग कर सकते हैं। हम बात करते हैं पिति ध्वनि के बारे में। किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएं या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। या ऐसे आप लोग या बंद कमरे में या नहीं कि पूरा कमरा खाली हो तब भी आप चिल्लाएंगे तब भी इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को पिति ध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना
लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। स्पष्ट पिधि ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तन ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि हम किसी दिए हुए ताप जैसे कि 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड मान लें तो ध्वनि को अवरोधक तक जाने तथा परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक आने तक 0.1 सेकंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। अतः श्रोता से परावर्तक सतह तक जाने तथा वापस में आने में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी कम से कम 344 मीटर प्रति सेकंड इंटू 0.1 सेकंड बराबर 34.4 मीटर होना चाहिए इसकी दूरी। अतः स्पष्ट है कि पिति ध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी की आधी अर्थात 17.5 सॉरी 17.2 अवश्य होनी चाहिए इसकी आधी। यह दूरी वायु के ताप के साथ बदल जाती है क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। ध्वनि के बारंबार परावर्तन के कारण हम एक से अधिक पिति ध्वनियां भी सुनाई दे सकती हैं। बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों तथा भूमि से बारंबार परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। फिर आपका अनुरणन किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है जब तक कि यह इतनी कम ना हो जाए कि यह सुनाई ही ना पड़े। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होती है अनुरण कहलाती है। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुसरण अत्यंत अवांछनीय है। अनुरण को कम करने के लिए सभा भवन की छतों दीवारों पर ध्वनि और शोधक पदार्थों जैसे संपीड़न फाइबर बोर्ड खुरदरे प्लास्टिक आदि पर्दे लगे होते हैं। सीटों के पदार्थों का चुनाव इसके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर भी किया जाता है। एक आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं। एक मनुष्य की किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है उसकी पिति ध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी किस तरह है। ध्वनि की चाल कितनी हो गई 340 मीटर प्रति सेकंड। पिति ध्वनि सुनने में लिया गया समय कितना हो गया 2 सेकंड। ध्वनि द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई ये आपका v into t यानी कि यहाँ वे हो गया और t समय हो गया। इस तरह से आप 492 मीटर हो जाएगा। और इसमें आप लोग जानते हैं कि 2 सेकंड में ध्वनि से चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दोगुनी दूरी तय की है। अतएव चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी क्या होगी 692 मीटर / 2 यानी कि आपने वहां पढ़ा था ना कि आधा एक बार जाने में एक बार आने में तो मतलब दो ध्वनि ये तो निकली है आपकी आने जाने की लेकिन जाने आने एक बीच की बात कर रहा हूँ एक तरफ की तो ये कितनी बन जाएगी 342 मीटर। ठीक है अब है आपकी ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग मेगाफोन या फिर लाउड स्पीकर हॉर्न तूर सहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है जैसा कि चित्र 12.12 में दर्शाया गया है। मेगाफोन ये आपका हॉर्न हो गया मेगाफोन इसे तो आप लोगों ने पुलिस वालों के पास देखा होगा या फिर माइक लगे रहते थे पुराने अब तो मुझे नहीं लगता है किस तरह के आते हैं वो इसे आप लोगों ने देखा होगा कहाँ जो आइसक्रीम बर्फ बेचता था बचपन में आप लोगों ने खाई होगी वो लिए रहता था। इसे इन यंत्रों में एक नली का आगे का खुला भाग शंकुआकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय एवं फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाती है। स्टेथोस्कोप देख रहे हैं। कंसर्ट हॉल सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें बक्काकार बनाई जाती हैं जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए जैसा कि चित्र 12.14 में बताया गया है दर्शाया। कभी कभी बक्काकार ध्वनि पट्टों को मंचों के बीच रख दिया जाता है जिससे ध्वनि
ध्वनि पट से परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाएगा। इस तरह से सम्मेलन कक्ष की वक्रकार छत, ये आपने देखा होगा, आप अगर आप भी क्लास लेते हैं तो इस तरह की अभी भी यूज किए जाते हैं साउंड की तरफ, ध्वनि का स्रोत ध्वनि पट। बड़े हॉल में उपयोग किया जाने वाले ध्वनि पट। अब बात करते हैं श्रव्यता का परिचय। हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 1 हर्ट्ज में 1 साइकिल प्रति सेकंड तक होता है। याद रखिए आपका कई बार पूछ भी लिया है। तो मनुष्य कितनी ध्वनि का सुन सकता है? 20,000 हर्ट्ज तक। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। ज्यों ज्यों ध्वनि की आयु बढ़ती जाती है, ज्यों ज्यों व्यक्तियों की आयु बढ़ती जाती है, उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम स्वग्राही होते जाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यदि हम अवश्रव्य ध्वनियों को सुन पाते तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते जैसे कि हम किसी मक्खी पंख के कंपनों को सुन पाते हैं। राइनोसीरस गैंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को की अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। हेल तथा हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप के पहले परेशान हो जाते हैं। कुत्ते को आप लोग इसमें रख सकते हैं। भूकंप मुख्यतः प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की प्राप्त अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को परावर्तन ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन चमगादड़ और पॉर्पोइज जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रजातियों के सलभों के सेवन तन यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। ये सलभ चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चिंची की ध्वनि को सुन भी सकते हैं। उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बचा पाते हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। श्रवण की सहायता युक्ति, सहायक युक्ति। जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। यह बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर व स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है और एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को परिवर्तित कर देता है। ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं और ये ध्वनि तरंगों का कान के डायफ्राम पर आपतित होती है तथा व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देती है। फिर आपकी पराध्वनि के अनुपयोग। पराध्वनियां उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं। पराध्वनियां अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग भी किया जाता है। पराध्वनि पुरा उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्वीला का नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जिन बिलियन में रखते हैं और इस बिलियन में पराध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णता साफ हो जाती है। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों, पिंडों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। धात्विक घटकों को प्रायः बड़े बड़े भवनों, पुलों, मशीनों तथा वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरार या फिर छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं भवन या पुल की संरचना की मजबूती को कम कर देते हैं। पराध्वनि तरंगें धातु के ब्लॉक से गुजारी जाती हैं, प्रेषित की जाती हैं यानी कि भेजी जाती हैं और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाती हैं जो ध्वनि की उपस्थिति को दर्शाती हैं। यहाँ देख रहे होंगे धातु का ब्लॉक, पराध्वनि धातु के ब्लॉक में दोष युक्त स्थान इस पूरी तरह से गुजर नहीं, यहाँ आपका छोटा सा दोष है तो ये वापसी हो रही है पराध्वनि। समझ रहे हैं? साधारण ध्वनि जिसकी तरंगें अधिक होती है दोष युक्त स्थान की कणों से मुड़कर संसूचक तक पहुंच जाती है, इसलिए ध्वनि का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित
कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ECG कहा जाता है इसी को। पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। इस संसूचक से रोगी के अंगों जैसे यकृत, पित्राशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यह संसूचक को शरीर की असमानताओं जैसे पित्ताशय तथा गुर्दे में पथरी तथा विभिन्न अंगों में अर्बुम ट्यूमर का पता लगाने में भी इसका सहायता हो सकती है। इसकी सहायता से कर इस तकनीक में पराध्वनि तरंगें शरीर के ऊतकों में गमन करती हैं तथा उस स्थान से परावर्तित हो जाते हैं जहां ऊतक के घनत्व में परिवर्तन होता है। इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाता है। इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्म जात दोषों, उनकी वृद्धि की नियमितताओं का पता लगाने में भी किया जाता है। यही है कि आपकी मतलब आपकी सुविधा के लिए इसका उपयोग किया गया था, लेकिन इसका उपयोग लोग गलत तरीके से करने लगे थे। आपने भ्रूण हत्या देखी होगी कि अगर मालूम चल जाता था कि लड़की है तो उसे भी मार दिया जाता था, समझ रहे हैं? लेकिन इसका इसलिए उपयोग किया गया था शुरू में कि मतलब जांच हो सके कि जो भी बच्चा है अच्छा है या मतलब क्या है, इसमें कोई कमी तो नहीं। वो तो ऐसा ही है कि मोबाइल का उपयोग इसलिए आया था कि आप एक तरह से टाइम बचा सकें, अच्छे अच्छे काम कर सकें, लेकिन उसका भी आपने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा लोग टाइम बेकार करते हैं तो सोशल मीडिया पर। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। एक कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। सोनार, ये भी आप शब्द कई बार सुना हुआ है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से बना है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार कैसे काम करता है? सोनार में एक प्रेषित एक सूचक होता है, संसूचक, और इसे किसी नाव या फिर जहाज चित्र 12.17 की भांति लगाया जाता है। नाव का जहाज, नाव या जहाज, पानी की सतह, संसूचक प्रेषित समुद्र तल यहां लगाए। प्रेषित पराध्वनि तरंगें उत्पन्न या प्रेषित करता है। ये तरंगें जल में चलती हैं तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है जिनकी उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है। जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के भीषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करने के लिए उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है जिससे ध्वनि तरंगें परावर्तित हुई है। मान लीजिए कि पराध्वनि संकेत के भीषण अथवा अभिग्रहण का समय अंतराल टी तथा समुद्री जल में ध्वनि की चाल भी है, तब सतह से पिंड की दूरी क्या होगी? 2D होगी। 2D बराबर V इंटू टी, भी आपका वेव हो गया, टी यहाँ समय हो गया। उपयुक्त विधि को प्रतिध्वनिक परास भी कहते हैं। सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने और जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जो जहाज डूब जाते हैं उनका पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। इसे भी देख लीजिए, एक उदाहरण दिया गया। एक जहाज पराध्वनि उत्सर्जित करता है जो समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकेंड के पश्चात संसूचित की जाती है। यदि समुद्र जल में पराध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड हो तो समुद्र जल से जहाज की कितनी दूरी होगी? प्रेषण तथा संसूचक के बीच का लगा समय आपका टी बराबर 3.42 यानी कि 3.42 है यानी कि 3.42 सेकेंड। समुद्र जल में पराध्वनि की चाल कितनी हो गई? 1531 मीटर प्रति सेकंड। पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई? 2D, जहाँ टी आपका समुद्र की गहराई हो गया। 2D ध्वनि की चाल इंटू समय, इस तरह से निकाल सकते हैं आप, ठीक है? जैसा कि पहले वर्णन किया गया है कि चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन के खोजने के लिए उड़ने समय पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करती हैं तथा परावर्तन के पश्चात इसका सूचन होता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत के पराध्वनि स्पंद अवरोध या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं। इन परावर्तित स्पंदों की
प्रकृति से चमगादड़ को पता चल जाता है कि अवरोध या कीट कहाँ पर है या किस प्रकार का है, और पोर्पोइज मछलियां भी अंधेरे में संचालन व भोजन खोज में पराध्वनि का उपयोग करती हैं। यानी कि सीधा सा मतलब है कि आपने इसे चमगादड़ आपने देखे हुए हैं, कहते हैं कि रात में इसे दिखाई देता है, नहीं ये अपने अंदर की जो पराशर तरंगें होती हैं इन्हें भेजती हैं। कोई अगर सामने कीट है या पतंग है कोई भी है तो उससे टकरा कर वापस आ जाएगी, तो उसे पता चल जाएगा कि ये क्या है, उसका वो भोजन के रूप में कर लेगी। या फिर इसे इस तरह से रात में देखने के लिए भी उड़ रही है सामने से, अगर वापसी आती है तो सामने कोई अवरोध है रुक जाएगी, अगर नहीं आती है तो अवरोध नहीं है, सीधा खाली रास्ता है। ये देखिए इसे टकरा कर वापसी आ रही है, इसके लिए भोजन का अवरोध बन गया। मानव कर्ण की संरचना, हम कैसे सुनते हैं, हम एक अति संवेदी युक्ति जिसे कान कर्ण कहते हैं की सहायता से सुन पाते हैं। यह सेवनीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। मानव के कान द्वारा सुनने की प्रक्रिया के पक्ष के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। मानव कान के श्रवण भाग देख लीजिए, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकरण, सबसे अंदर वाला ये आपका कर्ण पल्ला हो गया, ये आपका हो गया यहाँ मुग्धरक, ये आपकी निहाई, इसके बाद ये आपका यही, ये आपकी यहाँ निहाई, यहाँ आपका बिलैक, ये आपकी यहाँ सेवन तंत्रिका, कर्णावत, कर्णपट, ये आपकी सेवन नलिका, ये आपकी युवष्टे की नलिका। यानी कि बहुत बेहतर जो भी प्रकृति ने हमें दिया है बहुत बेहतर तरीके से दिया है। आप सोचिए कान अच्छी स्थिति पर स्थिर है, आप सोचिए नाक की जगह कान लगा दिया जाता और नाक आपकी कान की जगह, तो कितना अजीब लगता। लेकिन बड़े अजीब तरीके से डिजाइन कर रहा होगा। बाहरी कान कर्ण पल्लव कहलाता है, यह परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। एक एकत्रित ध्वनि सेवन नलिका से गुजरती है, सेवन नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्ण पटल या फिर कर्ण पटल झिल्ली कहते हैं। जब माध्यम से संपीड़न कर्ण पटल तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्ण पटल को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार विरलन के पहुंचने पर कर्ण पटल बाहर की ओर गति करता है, इस प्रकार कर्ण पटल कंपन करता है। मध्य कर्ण में विद्यमान तीन हड्डियां मुग्धरक, निहाई और वलरक, स्टीरक, इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। मध्यकर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाली इन सभी इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचारित कर देता है। आंतरिक कर्ण में कर्णावर द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है और उसके बाद आपको बताता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। समझ में आए आपने क्या क्या सीखा है इसमें, इस अध्याय में? ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचित होती है। ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में संचित होती है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचित होते हैं। ध्वनि निर्वात में संचित नहीं हो सकती है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान की परिवर्तन से एक दोलन पूरा होता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या फिर दाब आवर्ती रूप से अपने मान की पुनरावृत्ति करते हैं ध्वनि की तरंग दैर्ध्य कहलाता है, लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के लिए एक संपूर्ण दोलन के लिए समय को आवर्त काल कहते हैं, इसे आप लोग टी से व्यक्त करते हैं। एक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति भी कहते हैं, म्यू भी कह देते हैं इसे, बी बराबर 1/T। ध्वनि का वेग भी आवृत्ति म्यू यानी कि भी आकार का, तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा में संबंध भी बराबर लैम्ब्डा म्यू। ध्वनि की चाल मुक्तता संचित होने वाले माध्यम की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। ध्वनि के परावर्तन के नियम अनुसार ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब के समान कोण बनाते हैं और ये तीनों एक ही तल में होते हैं।
स्पष्ट पिति ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। किसी सभागार में ध्वनि निर्बंध बारंबार परिवर्तनों के कारण होता है, इसे अनुरण कहते हैं। ध्वनि के अभिलक्षण जैसे तारत्व, प्रबलता तथा गुणता संगत तरंगों के गुणों द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है। किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। मानव में ध्वनि की शब्दता की आवृत्ति का औसत परास आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। श्रव्यता के परास से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि और श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराध्वनि कहते हैं। पराध्वनि के चिकित्सा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक उपयोगी हैं। सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के नीचे छिपी चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाजों आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसी अध्याय से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इन्हें भी देख सकते हैं आप लोग, और आप PDF डाउनलोड करके रख लीजिए, उससे भी पढ़ते रहिए आराम से बैठकर, ठीक है। तो ये आपका था 12वां चैप्टर। अब 13वें चैप्टर में हमें बात करेंगे हम बीमार क्यों होते आखिर, इसके बारे में जानेंगे।